मित्रों, राजस्थान की मरुभूमि बीकानेर का दृश्य आप देख रहे हैं। बीकानेर का विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का सबसे शानदार अब आयोजन हो रहा है। ऊंटों की दौड़ होने वाली है। देखिए अभी वर्जिश चल रही है, वार्म अप हो रहे हैं ऊंट, और शानदार ट्रैक बनाए गए हैं जहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक ऊंट दौड़ कर आएंगे और शानदार रेस होगी। वैसे भी कहा जाता है कि ऊंट की दौड़ बड़ी खतरनाक भी होती है, क्योंकि ऊंट चाहे जब इधर उधर भटक जाते हैं, सीधे नहीं दौड़ते हैं, और रुकने के लिए भी उनको काफ़ी आगे तक की जगह चाहिए, क्योंकि ऊँटों के ब्रेक नहीं होते, गाड़ी नहीं है ये। तो ये काफ़ी रोमांचक नज़ारा होता है, देखने वालों के लिए खतरा भी रहता है, रोमांच भी रहता है। और इसमें आप बीकानेर के ऊँट अनुसंधान केंद्र का दृश्य देख रहे हैं। ऊँटों की दौड़ दुनिया में बहुत कम जगह होती है, क्योंकि घोड़ों की दौड़ तो सारी जगह करवाई जा सकती है, घोड़े पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन ऊँट या तो अरब कंट्रीज में, राजस्थान के जैसलमेर या बीकानेर में पाए जाते हैं। इसलिए ऊँटों की दौड़ का लोगों को इंतजार रहता है, लेकिन हम आपको इंतजार नहीं कराएंगे, अब ऊँटों की दौड़ शुरू होने वाली है। ये देखिए, ये प्रैक्टिस चल रही है, ये प्रैक्टिस हो रही है अभी। देखिए ट्रैक के दोनों ओर हजारों लोग एकत्रित हैं और बहुत जल्दी यहाँ पर ऊँटों की रेस होगी। 2 या 3 क्वालिफाई राउंड होंगे, उसके बाद में फाइनल मुकाबला होगा। जा रही है दाएं से बाएं तक, हुजूम लोगों का उत्सुकता के साथ, जिज्ञासा के साथ। पहले हीट प्रारंभ हो चुकी है, आप देख रहे हैं तेजी से ऊँट दौड़ते आ रहे हैं। आप कृपया टेरिक से दूर रहे, लेकिन उत्साहवर्धन आप पूरा हूटिंग कर सकते हैं, जोरदार तालियां बजाएं, उत्साह नजर आना चाहिए आपका। वाह, बहुत ही जोरदार दौड़ आप देख रहे हैं ऊँटों की। और ये देखिए एनआरसीसी का कैमल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और वहां पर चल रही है ऊँट उत्सव के दूसरे दिन की ये सबसे रोमांचक इवेंट। ये विजेता कैमल रेस देखिए होनी चाहिए। ये भी आ रहे हैं लोग, गुजरेगी ना ऊपर से। तो अभी तो ऊँटों की दौड़ का सिर्फ ये एक छोटा सा आपने रूप देखा, अभी हीट्स होगी, उसके बाद जो फाइनल में जा रहे हैं, जो हमारे प्रतिभागी पहुंचेंगे उनकी फाइनल हीट होगी। उत्साह के साथ इसका आनंद उठा रहे हैं, पाकिस्तान के नाम लिखे जा रहे हैं। पहले दौड़ हो चुकी है क्वालिफाइंग, आपके सपोर्ट, और ये दूसरी रेस हो चुकी है, आप देख रहे हैं। ये हैरतअंगेज, रोमांचक और सेकंड रेस, साहस भरा कारनामा, दौड़ते आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, दौड़ते हुए ऊँट हमसे दूर से करीब आते हुए समाप्ति से आप देख रहे हैं। अब काफी आगे आ गए, ये देखिए विनर, ये देखिए काफी आगे आ गए, और विजेता के लिए जोरदार कंपटीशन यहाँ पर, और ये गिर गया, ये देखिए ये गिर गया। जैसा कि हम कहते हैं, लगातार कहते आ रहे हैं आपसे कि ये देखिए बहुत साहस वाला काम है, बहुत साहस का काम है कि ऊँटों पर दौड़ना, और पहला ऊँट यदि आपके आगे से निकल गया है तो इसके बाद याद रखिएगा कि बहुत सारे दूसरे इसी कतार में हैं, तो धीरे आकार ले रहा है, हो चुकी है क्वालिफाइंग। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कैमल फेस्टिवल में जो रोमांचक स्पोर्ट्स ऊँट अनुसंधान केंद्र का दृश्य उनको भी शामिल किया जा रहा है। कैमल फेस्टिवल में इस वर्ष जुड़े हैं हॉट एयर बैलूनिंग के साथ, गर्म हवा का गुब्बारा उड़ाने की तैयारी हो रही है। बड़े से गुब्बारे में ढेर सारी हवा भरी जाएगी, गर्म हवा, और देखते ही हॉट एयर बैलूनिंग आज नहीं हो पा रही। उधर हमारे ऊंट दौड़ पड़े हैं अगली हीट के लिए, कृपया ट्रैक से दूर हो जाएं, दौड़ हो रहे हैं, देखिए इस बार बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं, कृपया ट्रैक से दूर हो जाएं। देखिए लोग बीच में खड़े हैं, बिल्कुल डर नहीं है लोगों को, बहुत शानदार दौड़ आप देख रहे हैं, जबरदस्त और शानदार मुकाबला दो ऊँटों के बीच, जबरदस्त, जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये देखिए, लेकिन ट्रैक को खाली ही रखें, अभी पीछे भी और भी ऊँट दौड़ते हुए आ रहे हैं। यूं दुर्घटना घटती है, आप रोमांच में भूल गए हैं कि ताली तीसरा पहुंच गया है, ये भी जीता रहा इस बार, 3 दौड़ हो चुकी है, ट्रैक खाली कर दे, ट्रैक खाली कर दे, देखिए चौथी रेस हो जाए, आप ये चौथी रेस आप देख रहे हैं, देखिए लोग बीच में खड़े, आश्चर्य की बात, बहुत शानदार दौड़ आप देख रहे हैं, 3 ऊंट बराबर दौड़ रहे हैं आप, ये दुस्साहसी लोग कृपया ट्रैक से दूर रहें, ये सबसे अच्छी दौड़ है, देखिए बराबर में दौड़ रहे हैं अधिकतर ऊंट, और ये जीत गए, ये देखिए ये जिसने पहले पहली दौड़ में जो जीते थे, तालियां तो बजा दीजिए इनके लिए, ऊपर से देख के लग रहा है, बहुत याद रही है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऊंट को ये देखिए विनर, ऊंट नाखून चने, और ये देखिए खुशियां मनाई जा रही है।
देखिए जीत की खुशियाँ देखिए यहाँ पर उल्लास है, बेशक जीत की खुशियाँ मनाई जा रही है। देखिए लेकिन साथ में ऊंट भी उतने ही खुशी के साथ शामिल हो रहा है। ये जब ये जीत कर जाते हैं पशुपालक अपने गांव को रुतबा बढ़ता है, गांव के लिए गौरव। देखिए ऊंट दौड़ के बाद उत्साह देखिए, आप भी कोशिश कीजिएगा, बहुत बड़ी इवेंट होती है और उन जीत की खुशियाँ मनाई जा रही है आप देख रहे हैं। जीत का उत्साह उमंग खुशियां देखिए आप यहाँ पर। देखिए देखिए खुशियां देखिए यहाँ पर जो जीत रहे हैं उसके समर्थन के अंदर ये खुशियां बांट रहे हैं। इमरान साथ देखिए लोगों, इमरान हमारे साथ विनर जो है ऊंट दौड़ के, इमरान क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत। इमरान नहीं बोले, इनके साथी बोले, साल से कंटिन्यू जीता है ये ऊंट हमारा, हर साल जीतता है, दो साल से कंटिन्यू जीता है, अभी फिर जीता है, ये जीता है। इमरान का ऊंट है, मेरा भाई है छोटा, किसी का ऊंट जीता है। इसके बाद गिरा कौन था, आप ही गिरे थे? चोट तो नहीं लगी, कहावत है गिरते सहसोर मैदान जंग में। इमरान पिछली बार गिर गए थे फिर भी जीते, और इस बार फिर भी उन्होंने एक बार पुनः जीत ली है, तो अगली बार क्या हैट्रिक लगाने गिरा था? काफी हो चुकी है हैट्रिक, तो हर साल जीतता है कतरिया सर लाडेरा में, बीकानेर भी भाग ले रहे तो जीतता ही है। अरे बताइए गिरे क्यों थे पिछली बार, गिर क्यों गए? इमरान विजेता, बहुत उत्साह आप देख रहे हैं, देखते ही बन रहा है लोगों का, लोगों की दीवानगी उत्साह, ये देखिए लोगों का जुन जोश ऊंटों के प्रति। और यहाँ पर ऊंटों की रेस खत्म हो चुकी है। ऐसे अगले मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। इमरान विनर रहे हैं ऊंट दौड़ प्रतियोगिता के, 11,000 रुपए की राशि दी जा रही है।